हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जो अक्सर हमारे साथ होते तो रहते हैं, बट हमने कभी नोटिस नहीं किया या हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं फैक्ट नंबर 1। क्या आप सबने कभी नोटिस किया है, जब हम फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं और फ्लाइट का खाना खाते हैं तो वह हमें कम टेस्टी लगता है, ऐसा क्यों होता है? जर्मनी के फ्रांस होपर इंस्टीट्यूट फॉर बैल्डिंग फिजिक्स के द्वारा 2010 में किए गए एक रिसर्च के अकॉर्डिंग, फ्लाइट में हम ऊंचाई के साथ साथ लो प्रेशर में होते हैं, जिसकी वजह से हमारे टेस्ट बर्ड्स 30% कम काम करते हैं, जिससे हम फ्लाइट के खाने का पूरा टेस्ट नहीं ले पाते हैं। फैक्ट नंबर 2, सफल डेक ऑफ कार्ड्स। क्या आपको पता है, हम जब कार्ड्स खेलते हैं और हमें जो कॉम्बिनेशन मिलता है, दैट्स नेवर एग्जिस्टेड, ऐसा क्यों होता है? अगर कोई मैथ एक्सपर्ट है वो इस बात को जानता होगा, क्योंकि कार्ड्स 52 फैक्टोरियल से आते हैं, 52 × 51 × 50, सो इसके बहुत कम पॉसिबिलिटीज है कि आपको सेम कार्ड्स मिलें, लगभग ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। फैक्ट नंबर 3, एक ऐसा देश जहाँ पे जुड़वा बच्चे होना एक आम बात होती है, यहाँ पर ट्विंस पैदा होने का रेट पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में डबल से भी ज्यादा है। इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन तो नहीं है। फैक्ट नंबर 4, पानी अपने तापमान के आधार पर अलग अलग आवाजें निकालता है। अगर आप बारीकी से सुनते हैं और ध्यान देते हैं तो गर्म पानी और ठंडे पानी के गिरने की आवाज़ अलग अलग होती है। गर्मी की वजह से पानी की मोटाई या चिपचिपाहट बदल जाती है, जिससे उसकी साउंड पिच बदल जाती है। वहीं ठंडा पानी थोड़ा गाढ़ा होता है, इसलिए उसका साउंड पिच अलग और ऊंचा होता है। फैक्ट नंबर 5, चाइनीज पुलिस यूज गीज स्क्वाड। यस, आपने सही सुना है। आपने पुलिस के कुत्तों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन पुलिस के गीज स्क्वाड के बारे में नहीं सुना होगा। 2013 तक चाइना के एक ग्रामीण इलाके में 12 पुलिस स्टेशनों में गीज स्क्वाड को भर्ती किया गया। वह एक सतर्क जानवर है, जैसा कि आप जानते हैं वो बहुत हंगामा और शोर पैदा कर सकते हैं। इसी वजह से चाइनीज पुलिस का मानना है कि एक गीज स्क्वाड मिलकर एक चोर को तो घेर ही सकते हैं। वैसे ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। फैक्ट नंबर 6, पहला आईफोन एप्पल के द्वारा नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे सिस्को ने बनाया था। सिस्को ही वह कंपनी है जिसने हमें पहली बार स्काइप वॉइस फंक्शन मोबाइल में यूज करने की परमिशन दी। ठीक 22 दिन बाद एप्पल ने अपना आईफोन लॉन्च करने की घोषणा कर दी और सिस्को ने ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा दायर किया। यह लॉसूट काफी टाइम तक चला, एट लास्ट दोनों कंपनियों को यह नाम यूज करने की अनुमति मिल गई। हालांकि आप में से किसी ने भी सिस्को के आईफोन के बारे में सुना होगा। फैक्ट नंबर 7, बेबी ब्लू वेल जिंदा रहने के लिए पर डे 1 ईयर तक 200 पाउंड बढ़ते हैं। आफ्टर अ ईयर ये पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, 5 मील पर आवर की स्पीड से भाग सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये 20 मील पर आवर की स्पीड भी पकड़ सकते हैं। ब्लू वेल समुद्र में थाउजेंड्स ऑफ मील तक की दूर का सुन सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, एलर्जी सीजन इज गेटिंग लॉन्गर एंड मोर इंटेंस एवरी ईयर। यदि आप उन लाखों अमेरिकन और यूरोपियन में से एक हैं जो एलर्जी से पीड़ित हैं, तो हमें आपके लिए एक बुरी खबर मिली है। द लैंसेट पेलेंट्री हेल्थ में पब्लिश 2019 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग, एलर्जी सीजन गेटिंग लॉन्गर एंड मोर इंटेंस एवरी ईयर, यह क्लाइमेट चेंज का एक अनफॉर्चुनेट रिजल्ट है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है, हमारा एक नोजल सी एक टाइम में वर्क करता है। जब हम दिन के दौरान अपनी सांस लेते हैं और बाहर निकालते हैं, उस समय अधिकांश हमारी एक ही नोजल्स काम करती है। कई घंटों में ये अपनी ड्यूटीज चेंज करते रहते हैं। इसे नाइसल साइकिल बोलते हैं। क्या आपने इसे कभी फील किया है? यह एक डेडिकेटेड साइकिल है, सेम ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यह हमारे हार्ट रेट, डाइजेशन सिस्टम एंड अदर अनकॉन्शियस बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करती है। हमारी एक नोजल बंद होने के कारण कई बार आपने नोटिस किया होगा, हमारी नाक भर जाती है। फैक्ट नंबर 10, जनरली हम सब चिंगम या बबल गम खाते हैं। कई बार लोगों को इसे खाना अच्छा लगता है, उनका शौक होता है। कई बार लोग फेस का फैट कम करने के लिए, डबल चिन कम करने के लिए खाते हैं। बट क्या आपको पता है, चिंगम खाने से हमारी कंसंट्रेशन पावर अच्छी होती है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकोलॉजी में 2013 के किए गए एक स्टडी में पाया गया, जिन लोगों को जिन सब्जेक्ट्स में चैलेंज था वे चिंगम चबाते थे, चिंगम चबाने के टाइम पे वह उन सब्जेक्ट्स में अधिक टाइम तक कंसंट्रेट करने में सक्सेस रहे। इसलिए कई बार जब आपको कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम हो तो आप उस टाइम पे चिंगम चबा सकते हैं। इससे आपका काम भी ईजी हो जाएगा और टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा।
तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।